अपना तीनों आ गया। आजा आजा आजा, इतनी देर तक आ रहा भाई, हम कब से तेरा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये ले। ओ हाँ भाई दीदो, इधर भी आजा भाई। अरे वो क्या खा रहा है? लेखा। इधर मक्खन के साथ खा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, इसे हाथ मुंह तो धो लेने दो, मैं इसका खाना लगा रही हूँ। अरे तुम लोग इसे सिर्फ रोटियां ही खिलाओगे तो इसके गले से खाना कैसे उतरेगा? अरे ले दीदो, लस्सी पी ले और जल्दी से हाथ मुंह धोआ, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। लो जी और लस्सी आड़ दो। सुनो जी, तुम अभी बात कर लो तो सुबह हम पैगाम भिजवा दे। क्या बात करनी है भाभी, तुम ही कर लो ना। आज मेरे बड़े भाई आए थे तेरी शादी की बात करने। मेरी शादी की बात करने? अरे मैंने कहा किससे शादी करवा रही है तीतो की छोटी? मेरे चाचा की लड़की है, बड़े भाई उसी की बात करने आए थे। मेरे लिए के सारी दुनिया में वही एक लड़की रह गई है। क्यों, क्या बुराई है उसमें? मैंने कब कहा कि उसमें कोई बुराई है, मगर मुझे उससे शादी नहीं करनी है। और फिर किससे करेगा शादी? आखिर आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मिलेगा आप लोगों को मेरी शादी से? हमें हमारी जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा और तुझे तेरी आवारा करती से। आवारा करती? और नहीं तो क्या, ये तो तू सारा सारा दिन काम की गलियों की खाक छानता फिरता है। हमें बड़ी शर्म आती है जब लोग आकर हमसे ये कहते हैं कि तू सारा दिन काम के कुएं के पास बैठकर लड़कियों को ताका करता है। झूठ कहते हैं लोग। इस गांव में कोई लड़की है इस लायक जिसे देखा जाए? अच्छा तो गांव में कोई लड़की है ही नहीं इसके लायक, ये समझता क्या अपने आप को? बस ये समझ लो भाभी कि मैं अपने आप को छोटी भाभी की बहन के लायक नहीं समझता। हाँ हाँ मैं भी देखती हूँ तू कौन से सियालों के हीर ब्याह कर लाता है। क्या सोच रहा है दीदो, तुझे अपनी भाभी का एहसान मानना चाहिए, अपनी छोटी बहन का रिश्ता कर रही है तुझसे, वरना तू तो वरना मैं क्या जिंदगी भर कुंवारा रह जाता। और नहीं तो क्या, कौन करेगा तुझ जैसे निखट्टू से अपना रिश्ता? इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम लोगों की आंखों में खटकने लगा हूँ। तूने तो जब से होश संभाला है तब से खटक रहा है, सिवाय मुफ्त की रोटियां तोड़ने और आवारा गद्दी करने के अलावा तुझे और आता ही क्या है? हम बैठी है ना तेरी नौकरानियां पका पका के खिलाने के लिए, ये ले खा। दीदो ऐसे खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? इतना सब सुनने के बाद कोई गैरत में भला यहाँ कैसे रुक सकता है? दीदो तू पागल तो नहीं हो गया? अरे हम तेरे भाई हैं, तेरे कोई दुश्मन तो नहीं, तेरा भला ही चाहेंगे ना। चल चल के खाना खा। आज के बाद इस घर का खाना तो क्या पानी पीना भी हराम है। रुक जा दीदो, रुक जा। ऐसी धमकियां ये बहुत बार पहले भी दे चुका है, शाम तक खुद ही लौट आएगा। नहीं मिलेगा सुकून यहां, नहीं मिलेगा तुझे। तू इसके सुरों के समुंदर में चाहे जितने भी गोते लगा ले, नहीं मिलेगा जवाब। न जाने कब कहां किस जहां में तेरे वजूद का कोई हिस्सा गुम हो गया था, उसकी तलाश में भटकता है तेरा अधूरापन। हाँ बाबा, भटकन भी है अधूरापन भी, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ बाबा, मुझे तो हर चीज बेमानी लगती है। अल्लाह हक, तेरी भटकन में ही तो तेरे सुकून का राज छुपा हुआ है। भटक भटकता जा, दरिया चिनाब के उस तरफ की मिट्टी से तेरा कोई गहरा रिश्ता मालूम होता है। अपनी भटकन की उंगली पकड़, अपने अधूरेपन की राह पे निकल, अपनी बेचैनी के पैरों पे चल और रब पे भरोसा रख। उसने चाह तो दरिया पार की जमीन पर कदम रखते ही तुझे हर शहर में नए माने नजर आएंगे। जा, रब तेरा निगहबान हो। Thank you.
अरे भाई ये दरवाजे पर खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही हो तुम? रात हो गई पर धीधो अभी तक नहीं आया। इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रहता, कहाँ गया होगा? अरे भाभी जाएगा कहाँ, दरगाह पर बैठे हुए बांसुरी बजा रहा होगा, आ जाएगा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, कब तक भूखा रहेगा बेचारा, उसे मना कर लाओ। ठीक है मैं देखता हूँ उसे। ठहरो मैं भी चलता हूँ। भाभी आप फिक्र मत करो, उसे लेकर ही आते। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अरे अब्दुल हमारे दीदो को तुमने कहीं देखा है? हमने तो नहीं देखा, क्यों कहाँ चला गया वो? तुम उसकी फिक्र करते हो जिसे खुदा ने बेफिक्री से नवाजा है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। लेकिन वो समझ गया था इसलिए वो कूच कर गया यहाँ। मगर कहाँ कूच कर गया? अपनी मंजिल की तरफ, अपने मकसद की ओर। कैसा मकसद, कैसी मंजिल बाबा? फकीरों की मंजिल भी कोई जानता है भला? ये तो वो जानता है, सिर्फ वो। सामान खरीदने आए हैं, यही कर ये कौन सी जगह है भाई? बारादरी, मगर तुम इसके आसपास भी नहीं भटकना, वरना जहाँ से आए हो ना वहीं खोटे सिक्के की तरह पहुँचा दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बारादरी यहाँ के चौधरी की सच्चरी बेटी हीर की है। चौंक कर उठी, मुझे तुझ पर हंसी आ गई। पता नहीं कैसे मुझे झपकी सी आ गई और फिर अचानक अजीब कंपकंपी के साथ आंख खुल गई, जैसे किसी ने झिनझोड़ के जगा दिया हो। सपना देख रही होगी तू? अरे दिन में सपने देखेगी तो इसी तरह चौंक कर उठेगी। चल बारादरी चलते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? अरे छोड़ उन घोड़ियों को, आज सिर्फ हम दोनों कश्ती की सैर करेंगे। कश्ती की सैर करके बड़ा मजा आया। मगर तू कश्ती वाले को छेड़ क्यों रही थी उसको? मेरी पलंग पे ये कौन सोया हुआ है? कितनी नेहमत हुई। होगा कोई शैतान या सौदाई जिसे यहाँ सोते हुए न डर लगा न शर्म आई। मजाक नहीं बेगो, जा उस लुडन के बच्चे को पकड़ कर ला, ये रखवाली करता है मेरी बारादरी का। जा रहा जल्दी। जा रही हूँ। आज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई, कितनी हिम्मत। ओए कौन हो तुम? लगता है पीर बाबा ने तुम्हें ढूंढने में मेरी ही मदद की। दे दो। हाँ।
अपने चेहरे के इन चिराखों से पलकों की चिलमन तो उठाओ, मुझ तक रोशनी तो आने दो। कब से भटकता फिर रहा हूं अंधेरों में, अब मंजिल की एक झलक देखने दो। इसी रुख इसी रूह की कशिश का जादू ही रहा होगा जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे यहां तक ले आया। यारा, ये इत्तेफाक है कोई या तेरा ही करिश्मा है? मेरा दिल मेरे हाथों से फिसला जाता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी भटकन, मेरी बेचैनी का सिला इतना बेमिसाल होगा, मेरी बेकरारी का करार इतना लाजवाब होगा। एक जर्रे की किस्मत में हुस्न का ऐसा माताब हो ना हो, तुम मेरे मालिक की दी हुई वो सौगात हो जिसका अदब ही मेरा ईमान है, जिसकी इबादत मेरे जुनून का इम्तिहान। बस, वरना कहीं मुझे अपने नसीब पर गुरूर ना हो जाए। गुरूर तो मुझे होना चाहिए जिसके अधूरेपन ने ये रंग दिखाया। कहां रग रग में बेजारी, तसव्वुर तक में वीराना, कहां सारे गुलिस्तां का शबाब चल के आया है। चल जल्दी अंदर। हाय अल्लाह, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। मगर कौन है आदमी, किधर है, है? ये देख, ये रहा वो मुश्तंडा। कुछ बताया इसने कहां से आया है? जी नहीं बताया तो अभी बताएगा। ऐसा चप्पू चलाऊंगा मैं कि अपनी सात पुश्तों की कहानी सुनाएगा ये आपको। अरे, इसकी कहानी सुन ली मैंने तो आपने सुना? यही रखवाली करता है मेरी बारादरी की। हाँ जी अल्लाह कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं दरिया में डूब के मर जाऊं जी। पता नहीं ये दरियाई कोड़ा अंदर कैसे आ गया जी, पता नहीं। पहला मौका है इसलिए तुझे छोड़ दिया जी। चलो देखो सरकार, ये तो बताओ कि इस दरियाई कोड़े के साथ सलूक क्या करूं मैं? ये कोई परदेसी मुसाफिर है, रास्ता भटक गया है इसलिए यहाँ आ गया। इसकी रहने का कहीं बंदोबस्त कर दे। हाँ चल हम चलते हैं। तूने इसको छोड़ दिया? अरे मियां, ये खुदकुशी के लिए आपको यही जगह मिली थी? क्या मतलब? मतलब ये कि आज आप खुद तो मरते ही मरते साथ में मुझे भी मरवा डालते। बंसी तो यूं पकड़ रखी है जैसे कृष्ण का नैया तुम ही हो। चलो तुम्हारे ठहरने का बंदोबस्त कर दूं कहीं। कहां? अरे गांव के बाहर एक सराय है वहां। चलो एहिर चुप, तू देख ले रही, मैं पीर बाबा से कुछ मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा है तू? मैं पीर बाबा से मांग रहा हूँ जब हम लुक्का छुपी खेले तो पीर बाबा मेरी मदद करे तुझे ढूंढने में। फिर भी तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। क्यों? पीर बाबा हमारे हैं, तुझसे ज्यादा वो मेरी मदद करेंगे छुपने में। नजर से अपनी तूने मुझे ये क्या शय पिला दी है, खुदा जाने ये कब उतरेगी, खुमारी ही खुमारी है। खामोशी को इतनी जल्दी मत तोड़ो, अभी भी इसमें तुम्हारी बांसुरी की सुर तैर रही है। पहले उन्हें मेरे अंदर जस पहुंचाने दो। तुम्हारे सुरों की उड़ान जितनी ऊंची है तुम्हारी खामोशी की गहराई उतनी ही गहरी, मुझे उसकी थाप पा लेने दो। तुम खुद ही शबाब का एक ऐसा दरिया हो जिसकी हर मौज मेरे सुरों की उड़ान भी है और मेरी खामोशी का बयान भी। मेरे तसव्वुर की हर उड़ान तुम्ही से शुरू होती है और तुम्ही पर आकर खत्म होती है। मेरा आगाज तुम, मेरा अंजाम तुम, बस तुम ही तुम। पर खुदा, तुम सारे नौकर अपने साथ ले जाओगे तो यहाँ का काम कौन करेगा? अबा, या तो आप दूसरे गांव में जाकर इतनी जमीन ना खरीदते, और अगर खरीदी है तो ऐतराज ना करें। सच पूछे तो इतनी बड़ी जमीन को संभालने के लिए अभी भी नौकर कम पड़ते हैं, इसलिए मैंने कह दो चाचा से कहा था कि वो। अरे नाम मत लो उस नालायक का, भांग घोटने से फुर्सत मिले ना उसे तब जाकर नौकर ढूंढेगा। अबू, लुड्डन कह रहा था दरिया पर से कोई आदमी आया है और उसको काम की तलाश है। तो उसे बुलाया क्यों नहीं बेटे? बुलाया अबू, वो उसको लेके आज ही यहाँ आने वाला है। अच्छा? चौधरी साहब, लॉजी में आ गए जी मालको। सलाम जी। सलाम। वालेकुम सलाम। और जी अगर लाडो सरकार ने पहले बता दिया होता कि चक्कर चक्कर चलाना है तो मैं।
क्या बता दिया होता? ओजे हुई कि आपको नौकरी की जरूरत है। ये क्या नौकरी करेगा, ये तो बड़ा नाजुक सा लड़का है। नहीं जी, लो जी, ये तो कमाल की चप्पू चलाता है। आप जो काम आखोगे वही काम ये फौरन करेगा, फौरन। अच्छा, देख भाई, जानवरों काम करने के लिए जानवर बनना पड़ता है। हमें अपनी भैंसों के लिए चरवाहे की जरूरत है। ओ जी, ये भी जानवर ही है, ये कौन सा बंदा है, जानवर है। और तू कह दो कोई मिलकर आया है, भांग चढ़ा रखी तूने। ओ इससे बोलने दे। ये बोलता भी है जी, बोलता है। बोल के दिखा भाई, शाबाश, बोल। नौजवान, क्या नाम है तेरा? जी रांझा। भाई तुम आए कहां से हो? मेरे माँ बाप नहीं रहे, भाई हैं, उनकी बीवियों ने झगड़ा करवा दिया, इसलिए घर छोड़कर चला आया। मैं तो कहती हूँ रख लो इसे, एक तो जरूरत है और फिर ये कहाँ मारा मारा फिरेगा। आहो जी आहो। ठीक है ठीक है सुल्तान, इसे तुम काम समझा देना और बाड़े में रहने का इंतजाम कर देना। जा जा मेहरबानी। चलो चल, चल, चल। अरे बेटा ये खाना। ओ छोटे चौधरी, सलाम टप्पू चला के। टप्पू चला के ये सुल्तान के साथ बरखुरदार कौन था? मैं नौकर रख लिया है। नौकर के ऐसे होते हैं? क्यों चाचा, नौकरों की कोई खास शक्ल होती है? अरे शक्ल खास होना हो, पर आदमी के चेहरे पर उसके पेशे की छाप तो होती है ना। जैसे तेरे चेहरे पर भांग की। अब दादी भांग का नाम मतलब तू या भांग की? बहुत सुना था जन्नत के बारे में, लेकिन तेरी आगोश से बेहतर जन्नत और कहां मिलेगी? तेरी मौजूदगी से ही ये आगोश जन्नत है रांझे, और तेरी मोहब्बत के सदके ये हीर हीर, वरना तेरे बगैर मेरी क्या अहमियत है? वही जो खुद को देखने के लिए बेताब शख्स के लिए आईने की, इसलिए तो ताकता रहता हूं तुम में खुद को और खुद में तुम्हें। तुझे पाने के बाद मुझे यही महसूस होता है कि मैं तेरा ही खोया हुआ हिस्सा थी रांझना। तेरे बगैर जाने कब से मैं खुद भी अधूरा था, अब तो यूं लगता है कि तुझमें जज्ब होने के लिए ही मैंने घर छोड़ा था। रांझना, हाय रब्बा, ये कौन हो सकता है? शायद पहला इम्तिहान हो। मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मी को हम दोनों पर शक नहीं हो गया। रांझे, तुम जल्दी से छुप जाओ, इसके पीछे मैं देखता हूं। चौधरी जी, आप खैरियत तो है ना? अभी मालूम हो जाएगा, घबराता क्यों है? पीछे हट। नौकरों की कोई खास शक्ल होती है क्या? अरे चौधरी, क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताइए, मैं ढूंढ देता हूं। ज्यादा होशियार मत बन, अभी दिखाता हूं तुझे। कहां है वो? वो कौन? बनता है कमीने, जानवरों के साथ कैदों को भी चलाता है। इस मुए भंगोड़ी के कहने पर हम लोग यहाँ चले आए, पहले हीर को उसके कमरे में तो देखते। तुमने देखा नहीं? अरे हाँ, आप देखती, इसके कहने पर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो यहाँ नहीं मिली तब ये बात सूझी। चल बेटे मुँह, चल चल। चलो मेरी बात सुन। अबू अम्मी, आप लोग इस वक्त सब सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, तेरे इस बदनिमाग चाचा को छोड़कर सब ठीक है। क्या हुआ चाचा को, फिर भांग चढ़ गई या कोई ख्वाब देखकर डर गई? डर तो मैं क्या था बेटी, खैर तू जा, जा अंदर सो जा। चलो जी। चौधरी मेरी बात तो, चौधरी मेरी बात तो। अच्छा चाचा, आप सो जाओ, डरना नहीं। लेकिन बाप की नजरों में चाचा को नीचा दिखाने में आज तो तू कामयाब हो गई, लेकिन तू भूल गई कि मेरा नाम कैदो है। कैदो जिसे चकमा देने से खुदा भी घबराता है। इसका मतलब तू और हीर हम सबसे छुपकर अकेली बारादरी में जाती रही हो? यानी कि दाल में कुछ काला है? अरे मुझे तो सारी दाल ही काली लग रही है। यानी कि अब हमारी हीर किसी और की होने वाली है? होने वाली नहीं, हो चुकी। मुझे क्या मालूम, बताना। अरे अरे तुम सब खुद चलकर देख लो। लेकिन इस वक्त वो होगी कहाँ? वही बारादरी में। ओ
तुम्हारे सुरों के सहारे मैं जाने कितनी दूर किन गहराइयों तक उड़ती चली जा रही थी। इसलिए तो मैंने सुरों की डोर खींच ली ताकि तू मेरे पास लौट आए। अपने तस्वर में भी तू कहीं मत जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम्हारे बगैर तो मेरा तस्वर भी सोना हो जाएगा और मेरे ख्वाब अधूरे। हमने तुझे सारे गांव में ढूंढ मारा और तू यहाँ बैठी। तुम सब पर रब का कहर बरपे बेशर्मो। रब का कहर तो जब बरपेगा तब देखेंगे, अभी तो हम सब का कहर देख। चलो इसे मेरे घर ले चल। चलती है तुझे खींच कर ले जाओ। चल चाहे जितने सितारे साथ हो जाएं, मेरे चांद का फिर भी कोई जवाब नहीं। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, हमसे मिलने का बहाना करके रांझे से इश्क ले आती है। छोड़। अरे रांझे ने तुझे ऐसी कौन सी बूटी सुंगा दी है जो तू तो अपनी पुरानी सहेलियों को भूल गई है। अरे सच सच बताना, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है या फिर तू अकेले उसके प्यार में डूबी हुई है? अरे मैं बताती हूँ, ये तो दिन रात रांझे के नाम की माला फेरती रहती है, इससे तो रांझे के प्यार में सारी दुनिया भुला डाली। यही सच है ये? सच है? बताना।